अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज आप लगेंगे ये क्या निकाल के बैठी है। तो ये है अब्दुल्ला की बर्थडे का डिकोर, सारा सामान पड़ा हुआ है, मैंने जाके लिया था, ठीक है। और फर्स्ट बर्थडे तो हमने बाहर से ही डेकोर करवाया था, लेकिन इस बार घर में करेंगे। मुझे इतना डिकोर शिकोर आता नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कुछ अच्छा सा बना लें। अपनी तरफ से सारी चीज़ें ली हैं। यहाँ पर मैंने ये गाड़ियों वाली थीम इसलिए की है क्योंकि अब्दुल्ला को पसंद है। और ये व्लॉग आएगा इंशाल्लाह 11 अक्टूबर या 12 अक्टूबर को, क्योंकि अब्दुल्ला की बर्थडे है 11 अक्टूबर। तो लेकिन व्लॉग अभी से स्टार्ट कर दिया क्योंकि थोड़ा थोड़ा पार्ट करके दिखाएंगे आपको, फिर मेन चीज़ जो है 11 अक्टूबर को इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बैलून्स लिए थे हीलियम के, एक ये लिया था, एक ये लिया है, और हैप्पी बर्थडे का लिया था, ये टॉपर लिया था, ये इसी डेकोर के लिए। ये 2 ईयर्स का हो गया अब्दुल्ला माशाल्लाह से। ये कैंडल्स देखें कितनी प्यारी कैंडल्स हैं, छोटी छोटी गाड़ियों वाली। और ये प्लेट्स हो गई, ये कप्स हो गए, और ये टेबल शीट हो गई। तो अभी मैं सोचती हूँ बैठ के कि इसको लगाना कैसे। ले तो लिया है मैंने इतना कुछ, अब इसको लगाएंगे कैसे। हम लोग जो हैं बर्तन शर्तन साफ़ कर रहे हैं ताकि काम वाले दिन जो है और भी काम होते हैं, मतलब सही है, बर्थडे वाले दिन काम होंगे। तो हमने कहा चलें अभी बर्तन साफ़ कर लें, तो अभी भी साफ़ करने बैठे हुए हैं। तो जी यहाँ पे अभी हम हलीम तो अम्मी बना रही हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बनाऊँगी सैलड, रशियन सैलड। और पहले तो हमारा इरादा था ट्राइफल बनाने का, लेकिन हमने कहा केक हो जाएगा तो ट्राइफल में भी केक ही होता है, तो हमने कहा चलें शीरखुरमा बना लेते हैं साथ में मीठे में, और आगे की चीज़ें बताएँगे कि और क्या बना रहे हैं। मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी, अम्मी ने बना ली है हलीम, और मैं बनाऊँगी बिरयानी और निहारी, और अम्मी बनाएंगी तंदूरी चिकन और हलीम। और रशियन सैलड में बनाऊँगी वो तो मैंने आपको दिखा ही दिया था, और उसके अलावा शीरखुरमा बनाएंगे और कबाब होंगे, वो तो फ्राई ही करेंगे। तो बस अभी तक यही अपडेट है खाने पीने की। सफाई वाला माहौल बना हुआ है इस टाइम पे, हो रहे हैं चार, और मुझे इस रूम को जो है ना अभी आप लोग देख रहे हैं छोटे से रूम को मैं प्ले एरिया बनाती हूँ बच्चों के खेलने का, क्योंकि भाई बर्थडे है बर्थडे। तो ये टेंट हाउस हम खोलेंगे यहाँ पे स्लाइड के साथ, और उसमें बॉल्स डालेंगे, फिर मैं आपको एक लुक दिखाती हूँ इसकी जब ये सब कुछ हो जाएगा। तो मेरा मिनी प्ले एरिया रेडी हो गया, तो अभी आपको छोटा सा टूर कराते हैं। तो ये चेक करें माशाल्लाह, मैंने यहाँ पर जो है थोड़े से बैलून्स लगाए हैं, अभी थोड़े से और रहते हैं क्योंकि सेटअप मैंने सारा बाहर करना है बर्थडे का, लेकिन ये मैंने छोटा सा ऐसे डेकोर कर दिया है। एक्स्ट्रा बैलून्स लिए हुए थे मैंने, चलो वो यहाँ काम आ गए हैं। यहाँ पे मैंने हॉर्स रख दिया, गाड़ी, ये स्लाइड एंड टेंट हाउस। तो इंटरटेन तो बच्चों को करना है क्योंकि बच्चे की बर्थडे है, तो मैंने कहा बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा इसको डेकोर कर देते हैं। तो अगर आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। अभी यहाँ पे छोटे मोटे बैलून्स मैं रखूँगी, और वो मैं लाना भूल गई थी, तो अभी हस्बैंड को कहा तो वो ले कर आएंगे, और बस ये सारा सीन है। तो अब बाकी की जो चीज़ें हैं हम वो बाहर लगाएंगे, हम इस दीवार पे सारा सेटअप करेंगे, बर्थडे की अरेंजमेंट करेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ थोड़े से बैलून्स लगाए हैं, यहाँ टीवी भी लगा देंगे बच्चों के लिए, और एवन लोगों को ये इसी हालत में मिल रहा है। फिर बर्थडे के बाद कभी सेटअप दिखाएंगे कि बर्थडे के बाद बच्चों ने क्या हशर किया इस रूम का, तो वो कल दिखाएंगे आप लोगों को। इट्स 12 o'clock एंड अब्दुल्लास बर्थडे। अब्दुल्ला हमें बर्थडे वाले दिन पागल कर रहे हैं, ये देखें ज़रा इसके ये काम है। अब्दुल्ला Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy to you करो, happy to you करो। हमने टेबल शीट भी लगा दी है, और अभी हो रहे हैं 3:30, तो अभी हम इस जगह को सारा डेकोर करके आपको बताते हैं। यहाँ पे बैलून वगैरह कर रहे हैं, फुला रहे हैं, और अब्दुल्ला हमें वहाँ से बैठ के देख रहे हैं बर्थडे बॉय। यहाँ पे हमारे ये देखें, ये एक ही में मुझे लगा ये अलग अलग होंगे, लेकिन एक ही में हवा भरी कान के अंदर जाके ढुस गए, और एक ही दफ़ा हवा भरी और सब में चली गई। सो दिस इज ग्रेट, फाइनली मेरा सेटअप तैयार हो गया है, सो हियर वी गो। यहाँ मैंने डेकोर कर दिया है, यहाँ केक आएगा, यहाँ कप केक्स, यहाँ टॉफियाँ शॉफियाँ रखेंगे, प्लेट शीट्स लगाई हैं, और अंदर भी आपको सेटअप कराते हैं। अभी हम लेंगे अब्दुल्ला का रिएक्शन, ये अभी अब्दुल्ला का रिएक्शन लेते हैं। चलो अब्दुल्ला आ जाओ,
कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे सारा सेट किया। अब्दुल्ला के ये कपड़े नहीं है बर्थडे के, आज जुम्मा था तो हमने जो है इसको शलवार कमीज पहनाई है। अभी जो ये तबाही करेगा वो अलग सीन है, तो सब ये सीन है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है सेटअप तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलो अब्दुल्ला अपना गेटअप दिखाओ, इधर इधर दिखाओ। वाह, ये अब्दुल्ला को प्ले एरिया दिखाते हैं अब्दुल्ला का। वाह, अब्दुल्ला को दोबारा से फुल लुक में एक प्ले एरिया दिखाया। अब्दुल्ला डू यू लाइक इट? हाँ अच्छे, नो रिएक्शन। कजन्स भी आ गए हैं और ये लोग इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से, और बैलून्स भी फाड़ी जा रहे हैं यहाँ पे सब। इज ओवर, सब चले गए। और अब्दुल्ला आपके इतने बहुत सारे गिफ्ट्स आपको अच्छे लगे हैं? अब्दुल्ला को गिफ्ट्स मिले हैं, साइकिल फ्रॉम नानो, स्कूटर फ्रॉम दादो एंड मामू खाला की तरफ से, फुप्पोस की तरफ से सारे गिफ्ट्स एंड एनवेलप्स हैं। बाकी अब्दुल्ला की स्कूटी भी ओपन हो गई है बच्चों की भरपूर फरमाइश से। ओहो, फुप्पो का बड़ा लेट गिफ्ट आया है। चलो बस माँ के हवाले कर दो, माँ के बच्चे ये माँ के होते हैं, ये गिफ्ट सारे आपके, ये मेरे हैं बच्चे। तो बस ये सीन है। अब्दुल्ला ये भी साइकिल और ये भी साइकिल, ये अब्दुल्ला की फर्स्ट बर्थडे पे थी साइकिल, ये अब्दुल्ला की सेकंड बर्थडे पे साइकिल है, वो भी नानों की तरफ से थी, वो भी नानों की तरफ से थी। तो अपग्रेड हो गया अब्दुल्ला, अब तीन पहियों से दो पहियों पे आ गया। अब्दुल्ला आपने एंजॉय किया अपनी पार्टी? हाँ कहते हैं ओके। तो चलो बस सबको कॉल डाटा, बाय बाय। चलिए बस इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग एंड, और वीडियो को लाइक कर दें,